नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन, दिस इज अरविंद शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षा, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, जो क्वेश्चन आए उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए। डेली आपकी क्लासेस होती हैं इसी चैनल पर, स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। तो आप लोग डेली सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। एंड क्लास के अंत में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। सभी लोग आंसर करिएगा। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर एक कन्नड़, ऑप्शन नंबर बी तमिल, ऑप्शन नंबर सी मलयालम, ऑप्शन नंबर डी तेलुगु। आपको बताना है केरल की राजकीय भाषा क्या है। आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आंसर देते समय क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। बताइएगा केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मलयालम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, अगर हम केरल की बात करें, केरल की राजधानी दोस्तों तिरुवनंतपुरम है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भारत के किस राज्य में है। तो ये दोस्तों केरल में स्थित है। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सबरीमाला मंदिर ये कहाँ पर है, ये भी दोस्तों केरल में स्थित है। इन क्वेश्चंस को आप लोग याद रखिएगा। यह क्वेश्चन यूपी 2020 की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है। सभी लोग आंसर करिए, बताइएगा भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर बी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी है बैंक ऑफ इंडिया। सभी लोग क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। देखिए आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। तुक्का मत लगाइए, बताइएगा भारत की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। ये दोस्तों मुंबई में स्थित है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ सकते हैं कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दो का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, भारत की सबसे बड़ी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। बताइएगा निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए ऑप्शन नंबर ए शनि, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी मंगल। अच्छा क्वेश्चन है, सरल है, आप लोग याद रखिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तब तो आप लोग याद रखिएगा मंगल ग्रह को, दोस्तों लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस ग्रह को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। आंसर करिए, अब आपके पास सिर्फ तीन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शनि, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पृथ्वी को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर तीन का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिए, बहुत अच्छे दोस्तों। डेली आपकी क्लास होती है 8:30 पर, आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ये क्वेश्चन बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, या ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। बताइएगा भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन किस राज्य में होता है।
सभी लोग आंसर दीजिएगा। आप लोग स्टडी पर ज़्यादा फोकस कीजिए क्योंकि जो कंपटीशन है काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। बहुत अच्छे, गुड। आपको बताना है भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन किस राज्य में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत में सबसे अधिक आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आंसर करिए, पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। आपको बताना है इनमें से कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी विरोधी पक्ष के नेता, या डी स्पीकर। बहुत अच्छे दोस्तों, पिछली बार जो VIIT प्रवेश परीक्षा हुई थी इस चैनल पर, जितने भी स्टूडेंट पढ़ते थे उनमें से बहुत से बच्चों को गवर्नमेंट सीट मिली थी। तो आप लोग भी स्टडी पर फोकस कीजिएगा, बाकी जो सिलेबस है पूरा आपका इसी चैनल पर कवर कराया जाएगा। बस आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए और जो क्वेश्चन बताए जाएँ उनको अच्छे से पढ़िएगा। अभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, गवर्नर। ये दोस्तों राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन VIIT प्रवेश परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है। आपको बताना है जो फूल गोभी का दोस्तों पौधा होता है उसका उपयोगी भाग कौन सा होता है। ऑप्शन दिए गए, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन कीजिएगा और आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आपको बताना है फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ताज़ा पुष्प समूह। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये किस जिले में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये किस जिले में स्थित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये दोस्तों उत्तराखंड में है। अब आपको बताना है उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए नैनीताल में, ऑप्शन नंबर बी चमोली में, ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार में। आपको बताना है जिम कार्बेट नेशनल पार्क ये किस जिले में स्थित है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो ये दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है, और अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है तो ये दोस्तों नैनीताल में स्थित है। इतना आप लोग याद रखिए, जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी। वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी, तो आंसर करिए। अब आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन है, ध्यान से आप लोग ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कराची। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कराची थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए, अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है। ये 4 देश आपको दिए गए हैं, बताइएगा इन 4 देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है। अगर आपसे दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, तो आप लोग याद रखिएगा चाइना की। उसके बाद दूसरे नंबर पर दोस्तों भारत है, लेकिन यहाँ पर आपको 4 देश दिए गए हैं, इनमें से बताइएगा सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है। ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया की, ऑप्शन नंबर बी जापान की, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान की, या ऑप्शन नंबर डी सूडान की। बताइएगा
इन देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। इन चारों देशों में जो जनसंख्या है वो सबसे अधिक पाकिस्तान की है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, तो दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या विश्व में चाइना की है, दूसरे नंबर पर भारत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आपको बताना है उर्दू किस भाषा का शब्द है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है उर्दू ये किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर ए तुर्की का, ऑप्शन नंबर बी फारसी का, ऑप्शन नंबर सी अरबी का, या ऑप्शन नंबर डी संस्कृत का। आपको बताना है उर्दू ये दोस्तों किस भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तुर्की। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है एक्सरे की खोज किसने की थी। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर जरूर दीजिए। बताइएगा एक्सरे की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डब्ल्यू के रॉन्टिजन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। एक्सरे की खोज डब्ल्यू के रॉन्टिजन ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, श्री अरविंदो आश्रम ये कहाँ स्थित है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है मृत घाटी ये कहाँ पर स्थित है। बताइएगा मृत घाटी कहाँ पर स्थित है। जिसने अभी क्लास को लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली आपकी क्लासेस होती हैं स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए, तो आप लोग डेली सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। एक क्लास होती है सुबह 5 बजे, उसके बाद एक क्लास होती है सुबह 11 बजे, उसके बाद एक क्लास होती है दोस्तों शाम को 4:30 पर, और एक क्लास होती है आपकी शाम को 6:30 पर। ये चारों क्लासेस स्पेशल बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए हैं, तो आप लोग डेली सभी क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कैलिफोर्निया में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मृत घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटी संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। आपको बताना है 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पहले आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बलवंत राय मेहता समिति ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने दोस्तों भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है गोल क्रांति का संबंध किससे है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए टमाटर, ऑप्शन नंबर बी आलू, ऑप्शन नंबर सी अंडा, ऑप्शन नंबर डी सलजम। आपको बताना है गोल क्रांति का संबंध किससे है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है गोल क्रांति का संबंध किससे है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आलू उत्पादन से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया
उनका राइट आंसर है वेरी गुड। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आप लोग आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दोस्तों सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है, आपको बताना है कहाँ पर इनमें से सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में और दोस्तों कनाडा में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या ये दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पाई जाती है सबसे अधिक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन है। अब दोस्तों अगर हम कनाडा की बात करें, ये भी दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आप लोग याद रखिएगा कनाडा, कनाडा की राजधानी ओटावा है। एग्जाम में पूछा गया था कि कनाडा की कैपिटल क्या है, तो याद रखिए ओटावा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है ओजोन पर है ये कहाँ पर अवस्थित है। चलिए सभी लोग आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, आपको बताना है ओजोन परत ये कहाँ पर अवस्थित है। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समताप मंडल में। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, ओजोन परत ये समताप मंडल में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा पॉलिटी संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, आपको बताना है जो भारतीय संविधान है उसमें दोस्तों किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए, आपको बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भाग 3। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 3 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से प्रभावित है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए, ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर बी यूएसए से, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी से, या ऑप्शन नंबर डी आयरलैंड से। आपको बताना है भारत की जो संसदीय प्रणाली है ये किस देश से प्रभावित है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इंग्लैंड से। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, भारत की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड देश से प्रभावित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। अब जो आपके क्वेश्चन होंगे वो हिंदी क्वेश्चन होंगे, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है दोहा और सोरठा ये किस प्रकार के छंद हैं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन दोस्तों यूपी 2 PSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है दोहा और सोरठा ये किस प्रकार के छंद हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्धसममात्रिक। यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, दोहा और सोरठा ये अर्धसममात्रिक छंद हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, आपको बताना है आधे अधूरे किस लेखक की कृति है। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। दोस्तों इसका आंसर भी आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका जीके में है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और ये दोस्तों क्वेश्चन हिंदी में है, आपको बताना है आधे अधूरे किस लेखक की कृति है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ क्या होगा। यह भी क्वेश्चन बहुत बार यूपी 2 PSC की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ क्या होगा।
ऑप्शन नंबर ए गगरी में छेद होना, ऑप्शन नंबर बी व्यर्थ कार्य करना, ऑप्शन नंबर सी अल्प ज्ञान का प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर डी दूर से पानी लाना। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्प ज्ञान का प्रदर्शन। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का सही अर्थ होगा अल्प ज्ञान का प्रदर्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा, वेरी गुड। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा गया है। आपको बताना है गीतांजलि के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन दोस्तों जीके में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछा जाता है। बताइएगा गीतांजलि के रचयिता कौन है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी शरद चंद्र, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी सेन मित्र। आपको बताना है गीतांजलि के रचयिता कौन है। गुड, जो लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका राइट आंसर है, वेरी गुड दोस्तों, गीतांजलि के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दोस्तों जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिंदी में इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सर्वज्ञ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुड, यस, जो सब कुछ जानता है उसे दोस्तों सर्वज्ञ कहा जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है गोपाल में कौन सा समास है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है गोपाल में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर बी पावरी, ऑप्शन नंबर सी द्विगु, ऑप्शन नंबर डी द्वंद। आपको बताना है गोपाल में कौन सा समास है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पावरी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, गोपाल में पावरी समास है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका राइट आंसर है, वेरी गुड। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिएगा। यह भी क्वेश्चन दोस्तों बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बताइएगा आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी में आंसर मत दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आपको बताना है आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रमोद। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आनंद का पर्यायवाची शब्द प्रमोद होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, अब आपको बताना है विषाद शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है विषाद शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हर्ष। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों, विषाद शब्द का विलोम शब्द हर्ष होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा अब आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 28 का। आपको बताना है पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। बताइएगा पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी कष्ट देना, ऑप्शन नंबर सी रहस्य बताना, ऑप्शन नंबर डी साहस दिखाना। बताइएगा पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बढ़ावा देना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों, पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ बढ़ावा देना होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इस बार सभी ने राइट आंसर दिया, वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। अब आपको बताना है कादंबरी इसके लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। बताइएगा कादंबरी के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आपको आंसर देना है। पहले ध्यान से ऑप्शन पढ़िए उसके बाद ही आंसर दीजिएगा।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, वाण भट्ट। यस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, कादंबरी, इसके लेखक वाण भट्ट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 30 है, आपको बताना है ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए, बताइएगा ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए कभी कभी दिखना, ऑप्शन नंबर बी बहुत प्यारा, ऑप्शन नंबर सी कपटी मित्र, या ऑप्शन नंबर डी संतोष करना। आपको बताना है ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कभी कभी दिखना। यस ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका राइट आंसर है वेरी गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो आप लोग क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। इसी के साथ मैं आपको मिलूँगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।